हाय एवरीवन, माय नेम इज विनीता और इस सेशन में हम लोग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे। देखो, जो पेनिनसुलर एरिया की रिवर्स हैं वो या तो वेस्ट साइड फ्लो करती है या फिर ईस्टर्न साइड फ्लो करती हैं। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं और क्योंकि उनकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं होती है तो उनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी काफी कम होती है क्योंकि ग्रेडियंट बहुत लो होता है इस तरह से, राइट। मेन जो रिवर्स है ना जो वेस्ट में फ्लो करती है, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती है। एक्चुअली नर्मदा और ताप्ती रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, इसलिए ये वेस्ट साइड ड्रेन होती है। नर्मदा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैकाल हिल्स में, मैकाल और सतपुरा के बॉर्डर पर अमरकंटक प्लेटू है। मैंने आपको जब यमुना पढ़ाई थी तो वहां पर भी मैंने पढ़ाया था, गंगा पढ़ाई थी, जब एक सोन रिवर निकलती है और एक नर्मदा रिवर निकलती है वहां से, अमरकंटक प्लेटो से लिफ्ट वैली में फ्लो करती है, महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर बनाती हुई फिर ये ड्रेन होती है। गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर भी ये कवर करती है और यहाँ पर नीचे जाकर ये ड्रेन हो जाती है, मेनली अरेबियन सी में गिर जाती है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा पर सिचुएटेड है, इंदिरा सागर डैम भी, इंदिरा सागर रिजर्वोयर, ओमकारेश्वर, माहेश्वरी, ये सारे जो स्टेट सिटीज है ये इसके ऊपर सिचुएटेड है। बाकी यहाँ पर एक कान्हा नेशनल पार्क है, आपने सुना कान्हा नेशनल पार्क, ये नर्मदा के ही इसी आसपास है। और इसकी जो मेन दो ट्रिब्यूटरीज है ना, एक तो हेलोन रिवर है और एक बंजर रिवर है, दो ही इसकी मेन मेन ट्रिब्यूटरीज है। फिर बात आती है ताप्ती रिवर की। ताप्ती रिवर सतपुरा, बेसिकली विंध्यान और सतपुरा, ताप्ती रिवर सतपुरा को कट करती है, सतपुरा हिल्स से गुजरती है और मुल्ताई डैम जो है, मुल्ताई डैम एमपी में, सॉरी मुल्ताई एक जगह है एमपी में, वहां से ही ओरिजिनेट होती है, वो इसका सोर्स है। बैतुल प्लेटू आपने सुना होगा, तो वहां उसके पास गुजरात को भी ये बेसिकली गुजरात के थ्रू भी फ्लो करती है। और इसके अलावा इसको ट्विन ऑफ नर्मदा भी बोला जाता है। और ये कुछ इस तरह से, जैसे ये आपकी सतपुरा हिल्स है, यहाँ पर महादेव हिल्स है, राइट। तो यहाँ से ताप्ती बेसिकली नीचे सतमाला हिल्स रह जाती है, सतमाला हिल्स इसके साउथ में है, तो यहाँ से बेसिकली ताप्ती जो है फ्लो करती है, राइट। तो ये सारी हिल्स इसके आसपास है। ताप्ती पर एक डैम है उकाई डैम, सुना होगा आपने उकाई डैम। सूरत सेटे भी ताप्ती रिवर पर सिचुएटेड है। सूरत सेटे जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है ना, एंशिएंट टेक्सटाइल, जहां से ये स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर ही मेनली है। इसके अलावा पेपर एंड न्यूज प्रिंट फैक्ट्री भी यहाँ पर है, पेपर एंड न्यूज प्रिंट फैक्ट्री भी इसी रिवर पर सिचुएटेड है। तो एक तो सूरत सिटी, सूरत टेक्सटाइल सेंटर, बाकी पेपर एंड न्यूज इंडस्ट्री, न्यूज मिली और काई डैम, ये कुछ चीजें याद रखना ताप्ती रिवर के बारे में। इसके बाद जो माही रिवर है, माही रिवर इसमें शो नहीं की हुई है ज्यादा कुछ। माही रिवर का एक चीज याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार ही कट करती है माही रिवर। माही रिवर विंध्यान रेंज से निकलती है, विंध्यान एमपी में जो विंध्यान हिल्स है, और इसके बाद नॉर्थ में फ्लो करती है, थोड़ा बहुत राजस्थान में फ्लो करती है, बजाज सागर डैम उसके ऊपर सिचुएटेड है, बाकी फिर उसके बाद ये ड्रेन हो जाती है नीचे। उसके बाद साबरमती रिवर, आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर एक साबरमती रिवर है। यहाँ पर साबरमती रिवर का जो सोर्स है ना वो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स से साबरमती रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर गुजरात में फ्लो करती है। साबरमती रिवर का जो मेजर पार्ट है वो एग्रीकल्चर में कवर हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा ही डेजर्ट एरिया है। उसके बाद लूनी रिवर, लूनी रिवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एक तरह से रिवर है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई मेजर रिवर है नहीं। लूनी रिवर, लूनी रिवर सॉल्ट रिवर है और एक इसको लवनावती भी बोला जाता है, लवन से आप याद कर सकते हो, सॉल्टी रिवर है क्योंकि, और सीधा सीधा थोड़ा सा एरिया कवर करती है वेस्टर्न स्लॉप में और अरावली हिल्स का, और बाकी फिर गल्फ ऑफ कच्छ में ड्रेन हो जाती है ये। तो ये तो हो गई नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी रिवर। नीचे आते हैं, यहाँ पर एक महानदी रिवर आपको दिख रही है, मेन इंपॉर्टेंट रिवर नीचे एक वाली है, ये महानदी रिवर है। यहाँ पर ये नीचे, यहाँ पर ये चिलिका लेक है, चिलिका लगून लेक है ये, है ना। ये ब्राह्मणी रिवर है, ब्राह्मणी बेसिकली ब्राह्मणी है, बैतालनी है, ये ऊपर फ्लो करती है महानदी के। महानदी का जो सोर्स है वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ये फ्लो करती है और बाकी रायपुर डिस्ट्रिक्ट में मेनली इसके ऊपर सिचुएटेड है। इसके बाद यहाँ पर इसको सेवनाथ, अगर मैं कोर्स पूरा महानदी रिवर का अगर आप कोर्स देखो तो इसमें वैसे तो इसमें शो किया हुआ है,
एक बार वैसे भी दिखा माँ, मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। तो जैसे ही महानदी उड़ीसा में एंटर करती है तो जोंक रिवर इसको ज्वाइन करती है। एक तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना महानदी रिवर की, हसदेव रिवर है, और इसके अलावा जोंक रिवर है, और मांड रिवर है, ईब रिवर है, मांड रिवर, ईब रिवर और जोंक रिवर। इसके अलावा सेवनाथ है, सेवनाथ है, सेवनाथ इसके ट्रिब्यूटरी है, ओंग है, तेल है, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट, ओंग, तेल, जोंक इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, बाकी मांड, हसदेव, ईब, सेवनाथ ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है ये मेनली कवर्ड है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। उसके बाद यहाँ गोदावरी में आओ, गोदावरी रिवर, गोदावरी जो है लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ये त्रिंबकेश्वर प्लेटू से निकलती है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में एंटर करती है और फिर आंध्र प्रदेश में एंटर करती है, और फिर फाइनली यहाँ पर दो गोदावरी से यहाँ पर दो में स्प्लिट हो जाती है। एक तो वृद्ध गौतमी बोलते हैं उसको, एक वशिष्ठ गोदावरी बोलते हैं, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। सीधा सीधा फिर नीचे आकर ये हैवी फ्लडिंग करती है, यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा फ्लडिंग होती है होलावरम के पास। राइट, इसका कारण ये है कि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है। राइट, तो इसमें दोनों मानसून से पानी जाता है, साउथ वेस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, एक तो पैन गंगा, आप देख रहे हो यहाँ पर पैन गंगा, वैन गंगा, इंद्रावती, सबरी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये पूर्णा, प्राणहिता, प्राणहिता, पैन गंगा, जो ये तीन रिवर्स है ना, पैन गंगा, वैन गंगा, फिर एक वर्धा रिवर भी मिलती है, ये तीनों मिलकर प्राणहिता बनाती है। पैन गंगा, वैन गंगा और वर्धा तीनों प्राणहिता बनाती है। तो पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी बेसिकली परवरा रिवर है, मंजरा रिवर है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। नीचे आती है ये कृष्णा रिवर, कृष्णा महाबलेश्वर के पास से निकलती है, तेलंगाना से फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। विजयवाड़ा सिटी कृष्णा रिवर पर ही सिचुएटेड है, विजयनगर किंगडम, पता सुना होगा आपने, विजयवाड़ा लार्जेस्ट सिटी है कृष्णा सिटी, कृष्णा रिवर पर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक तो इसके भीमा रिवर है, मूसी रिवर है, कुलेरू रिवर है और मुनेरू रिवर है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी एक तो तुंगभद्रा है, मेन तो तुंगभद्रा है, कोयना रिवर है, घट परबा है, मल परबा, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, पेंच गंगा है और दूध गंगा, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ये कोलेरू लेक आप देख रहे हो, ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में सिचुएटेड है कोलेरू लेक, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताना ये फ्रेश वाटर लेक है या कैसे लेक है। फिर आती है कावेरी रिवर, नीचे जो है आपको ये रिवर दिख रहे हो, ये कावेरी रिवर तल कावेरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से, कर्नाटक और तमिलनाडु से फ्लो करती है, पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, शिवम समुद्रम वाटरफॉल्स कावेरी रिवर पर सिचुएटेड है। और एक जो एशिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ना, शिवन समुद्रम फॉल्स, वही का कावेरी रिवर पर है, और थ्रू आउट द ईयर कावेरी में पानी रहता है, तो इसको काइंड ऑफ पेरेनियल रिवर भी बोला जाता है ना। गोदावरी में तो फ्लडिंग वैसे होती है क्योंकि यहाँ से मॉनसून ज्यादा एक तरह से पानी इसमें वो आ जाता है, एक बार में ही फ्लडिंग होती है, लेकिन कावेरी रिवर क्या है, पेरेनियली फ्लो करती है। पेरेनियली मतलब साउथ वेस्ट मानसून से भी नीचे से भी पानी आता है, जब साउथ वेस्ट मानसून आती है फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है तो भी ये ड्रेन होती है, मतलब तब भी इसमें पानी रहता है। राइट, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर्स देखो ग्लेशियर्स से तो निकलती नहीं है, तो वो पेरेनियल नहीं होती है सारी रिवर्स, हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती है, थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है, लेकिन कावेरी ऐसी रिवर है जो कि पेनिनसुलर भी है और पेरेनियल भी है। राइट, इसका जो वाटर है मतलब यूज कर लिया जाता है एग्रीकल्चर वगैरह में। कावेरी रिवर की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, लेफ्ट बैंक, एक तो हेमवती है, हेमवती, फिर एक हरंगी रिवर है, हरंगी रिवर है, फिर एक शिमसा रिवर है, और फिर एक अर्कावती रिवर है, शिमसा रिवर, फिर एक अर्कावती रिवर। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, दोज आर काबिनी, भवानी, नॉयल रिवर, अमरावती रिवर, काबिनी, भावे, भवानी, नॉयल रिवर और अमरावती रिवर। फिर कुछ छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि छोटी मोटी रिवर्स है, जैसे सुबन रेखा है, वैगई है, वैगई तमिलनाडु की रिवर है, वेतापनी हिल्स जो है वो वैगई पर सिचुएटेड है, मदुरई जो सिटी है ना, मदुरई सिटी, वो वैगई रिवर पर ही है ना। और इसके अलावा एक पेन्नार रिवर है, नंदी हिल्स के थ्रू फ्लो करती है पेन्नार रिवर। एक ब्राह्मणी रिवर है, यहाँ पर देख रहे हो, ब्राह्मणी रिवर, ये उड़ीसा की रिवर है, राउरकेला उड़ीसा से फ्लो करती है। एक बैतारनी रिवर भी है, ब्राह्मणी आती है फिर बैतारनी रिवर आती है, यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है।
राइट, महानदी रिवर, और ये सारी मिलकर डेल्टा बना देती है। ओके, तो दिस इज इट, ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में मेन मेन यही था। मैंने आपको मोटा मोटा रिवाइज करवा दिया, ये रिविजन सीरीज ही है। और राइट, यहाँ पर ये जॉग फॉल्स देख रहे हो, ये कृष्णा रिवर पर, शरावती रिवर पर बेसिकली, और इसके अलावा शिवम सुमुद्रम फॉल्स मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर, और विजयनगरा सिटी इसके ऊपर सिचुएटेड है कृष्णा रिवर पर, वैगई रिवर पर जो है मदुरई सिटी सिचुएटेड है, एंड दिस इज इट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर और रिविजन सीरीज कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक्स अ लॉट।